ये वाले जो पापड़ है ना, फ्लावर शेप्ड हैं एंड डिफरेंट कलर्स हैं इसके अंदर, ठीक है, रेड ग्रीन येलो तो है ही है, ठीक है। एंड दीज पापड्स, यू नो, क्रैकर्स जो हैं इब्तिसाम के फेवरेट हैं, फेवरेट फेवरेट, और इतने फेवरेट हैं, इतने फेवरेट हैं कि इब्तिसाम के लिए ये कितने सारे पैकेट्स आ गए हैं, 1, 2, 3 और कुछ अंदर भी हैं, ये तकरीबन अराउंड 10 पैकेट्स हैं। और अब हम इब्तिसाम से पूछते हैं कि उसको ये क्यों इतने पसंद है, यानी कि जब वो शाम को रोज खाते हैं। अपना इट इज़ सो फनी, सो फनी। और मैं आप लोग को ये वीडियो, फनी वीडियो है इब्तिसाम के रिगार्डिंग, कि उसको ये वाले जो पापड़ है ना, क्रैकर्स हैं, जिसको इंग्लिश में क्रैकर्स कहते हैं, ठीक है, इसे इतने पसंद हैं कि शाम को जब ये हॉट शॉट्स खा रहा होता है ना, साथ में फ्राइज होते हैं, तो साथ में जो तीसरी चीज़ होती है, आपने देखा भी होगा व्लॉग्स में, वो ये ज़रूर खा रहा होता है, ठीक है। तो कोशिश मैं ये करती हूँ कि इसको ये ना दूँ, क्योंकि इसमें कलर्स हैं, तो मैं इसको अवॉइड करूँ, लेकिन ये बच्चा जो है इसको ये बहुत पसंद है। अब इसको डर लग जाता है। अच्छा, शेप भी इसको यही पसंद है, जो फ्लावर शेप है ना, ये जो इस तरीके से आ रहा है, फ्लोरल टाइप है ना, यही शेप इसको चाहिए होती है। मैं अब इब्तिसाम से पूछती हूँ, भाई ऐसा क्या है इसमें। अस्सलाम वालेकुम इब्तिसाम, कैसे हो वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। इब्तिसाम? ये इतने सारे पापड़ जो मंगवा लिए, इसका क्या मतलब है कि इतने सारे पापड़ का क्या करना है? बेचने हैं ये सारे वैसे पापड़? नहीं खाता हूँ मैं, सच्चाई बेचने नहीं है, फिर क्या करना है? ये बहुत फेवरेट है तो इसलिए खाता हूँ, और मेरा ये हाल हुआ है, गला खराब हो गया इसकी वजह से। अच्छा, खा खा के गला भी खराब इसमें हो गया मसाला भी है, खाता हूँ, मसाला लगा के? ओ माय गॉड, नज़ला हो गया मुझे। नज़ला वैसे पापड़ की वजह से नहीं हुआ, क्रैकर्स की वजह से नहीं नहीं नज़ला, हुआ। ये गला खराब जो होता है, शाम की तबीयत खराब है और पिछले गले में दो खराश दिनों हो गई से, है और इसकी वजह एग्जाम्स से, भी चल रहे हैं ना आपके, एग्जाम्स भी चल रहे हैं। ठीक है, आपकी शक्ल से लग रहा है कि यू नॉट फीलिंग वेल, मतलब यू लाइक दीज क्रैकर्स, ठीक है। मसाला के हिसाब से तो तले में जाके रखता है, खराश हो जाता है ओ माय गॉड इब्तिसाम, चलो बस यही पूछना था कि इतने इसलिए। सारे जो मंगवाए हैं तो क्या करना है इतने सारों का। और आजकल ड्रिंक में क्या ले रहे हो, मतलब कौन सी ड्रिंक ले रहे हो? आज पेप्सी लेते हो, कोका पेप्सी आज कोला? बायकॉट कर रहे हैं, हम पाकोला लेते हैं। पाकोला दिखाओ जरा, लेकर आओ पाकोला, दिखाएं कौन सी आप लोग आजकल मार्केट से क्या लेकर आते। क्या है इब्तिसाम, ये पकोड़ा है लिखे पहले इसके, को पहले क्या लेते थे बर्गर्स के साथ और ये वो? पेप्सी लेते थे, फंटा लेते थे, पेप्सी लेते थे, कोका कोला लेते थे। अच्छा, अब आपने क्या लेना शुरू किया है, यानी कि आपने अभी इसको सीरियसली लिया है बायकॉट को, है ना? बायकॉट को सीरियसली ले लिया। ठीक है। अच्छा जी, अब बताएं विच कोल्ड ड्रिंक आर यू टेकिंग दीज डेज? दिस पकोला ये तो आधी ख़त्म भी हो गई है ना? एकदम चलो, यानी कि आपने पेप्सी और कोका कोला का पूरा पूरा सही तरह से क्योंकि सीरियसली इसराइल को बायकॉट, नुकसान पहुंचाना था, तो इस वजह से इसराइल को नुकसान पहुंचाना है, उसकी चीज़ें बायकॉट करनी थी, बायकॉट और करनी। पेप्सी की पैकिंग है वो चेंज कर दी है। पेप्सी की पैकिंग पर आपको पता है वो जो कैन है उसके ऊपर उन्होंने फलस्तीन भी फलस्तीन लिख दिया, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। एंड लेकिन यू नो उसको कि बाकी खरीदना जितने नहीं है, कंट्रीज़ हैं वो लोग साथ में 1 लीटर मिल्क भी साथ में फ्री दे रहे हैं, और एक पे एक डील मतलब दे रहे हैं अच्छी सी, उसके बावजूद पीपल आर नॉट बाइंग देयर प्रोडक्ट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द पेप्सी मुस्लिम्स की डाइंग पैकिंग इन चेंज कर दी, पैलेस्टाइन। लेकिन अब फिर भी लोग उसको। यही पूछना था आपसे, ओके बाय बाय बाय। बाय। अच्छा, मुझे ना एक चीज़ याद आ गई इसको देख के ना, ये पापड़ को देख के, लेट मी टेल यू कि हम लोग जब दाल चावल भी घर में बनाते हैं ना, तो साथ में हम लोग क्रैकर्स जो है ना, इस तरह के, ज़रूरी नहीं है मतलब यही फ्लोरल शेप हो, लेकिन कोई भी इस तरह के हमारे पास रोटी शेप का भी पापड़ होता है, तो आज का व्लॉग है ही क्रैकर्स के ऊपर, तो ये काफ़ी लोगों ने घरों में रखा होता है। ज़रूरी नहीं है कि इसको फ्राई करके इसके ऊपर मसाला लगा के खाएं, वैसे भी मतलब दाल चावल बनता है ना, तो उसके साथ भी हम लोग ये ज़रूर खाते हैं। तो नेक्स्ट कोई इस तरह से दाल चावल बना तो मैं उस पर भी एक व्लॉग बनाऊंगी इब्तिसाम के साथ, ठीक है। तो आई वॉन्टेड टू टेल यू कि इसको दाल चावल के साथ भी फ्राई करके खाएं, तो बहुत यम्मी यम्मी टेस्ट आता है। तो अच्छा, लेकिन ये कलरफुल है इसलिए थोड़ा मुझे होता है कि ये कलर्स जो हैं वो ठीक नहीं है, मतलब इस तरह की चीज़ें यूज़ करना, लेकिन बहुत कम यूज़ करना चाहिए जस्ट बिकॉज ऑफ कलर्स। इसमें इतने ब्राइट कलर्स नहीं है, वायलेंट कलर्स नहीं है, अक्सर जो पापड़ होते हैं ना क्रैकर्स, उनमें बड़े वायलेंट कलर्स होते हैं, तो वो फिर सही नहीं होते। ये सही है, अभी भी मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है ना कलर्स का यूज़ हमें थोड़ा
लेस करना चाहिए। तो ये था आज का व्लॉग। आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो। नाउ सी यू पीपल इन द नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट व्लॉग विद सम अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक। आई होप यू पीपल लाइक दिस वीडियो, और लाइक ज़रूर किया करें, और सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।